हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी में। मेरा नाम अनुपम यादव है और आज हम उसी सेम कोर्स को कंटिन्यू करते हैं जिसका नाम है ऑसिलेटर। और आज हम इसमें फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की बात करते हैं। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर क्या होता है? एक टाइप का ऑसिलेटर होता है और उसमें हम लोग दो टाइप के ऑसिलेटर फेज शिफ्ट ऑसिलेटर होते हैं। एक होता है आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर और दूसरा होता है वेन ब्रिज। तो हम लोग बेसिकली आज बात करेंगे आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर और हमारा गेन कंडीशन क्या होता है उसमें, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होती है और कैसे वर्क करता है वो, उसके बारे में जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया था, ये कोर्स का नाम है और ये मेरे बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है और आज हम पढ़ने वाले हैं आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के बारे में। तो चलिए मेन मेन टॉपिक की तरफ आ गए हम लोग। ये हमारा है आरसी फेज ऑसिलेटर का सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी हम आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की बात करेंगे तो हमारे पास एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा और एक हमारा होता है आरसी फीडबैक नेटवर्क। तो यहाँ पे देखिए, जो जैसे हम बात करते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की, तो क्या होगा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हमारे साथ 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड कराता है, जो कि यहाँ पे विजिबल है, कि जो हमारा गेन क्या आता था, माइनस ऑफ आर टू डिवाइड बाई आर वन। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा। तो अब हमारे पास जरूरत पड़ती है कि हम एक ऐसा नेटवर्क प्रोवाइड कराएं जो हमारे पास इसको 180 डिग्री फेज शिफ्ट एक बार फिर से यहाँ पे प्रोवाइड कराए, ठीक है। तो उसके हेल्प से हम लोग इस पर्टिकुलर नेटवर्क की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड कराते हैं। अब एक चीज़ हमें समझने वाली बात है कि आरसी नेटवर्क हमारा जो है फेज शिफ्ट प्रोवाइड कैसे कराता है। यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, ये हमारा फीडबैक नेटवर्क है। जब ये यहाँ पे 180 डिग्री और ये 180 डिग्री दोनों सम होकर इस पर्टिकुलर फीडबैक पे हमारे पास 360 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा, जो हमारा 0 डिग्री का इक्वल होता है। तो फिर हमारा आउटपुट सेम सेम फेज में ऐड हो जाएगा विद द इनपुट। तो उसको हम लोग ये इससे कह सकते हैं कि हमारा पॉजिटिव फीडबैक है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा आरसी नेटवर्क फेज शिफ्ट प्रोवाइड कैसे कराता है। तो नॉर्मली देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने आउटपुट को अप्लाई किया, अगर हम इस पर्टिकुलर लोड इस पर्टिकुलर आर पे देखें आउटपुट वोल्टेज क्या आता है, वहाँ से हम लोग देखते हैं इस पर्टिकुलर आर पे अगर हमारा वोल्टेज आ गया तो आर डिवाइडेड बाई आर प्लस ये पर्टिकुलर रिएक्टेंस, दैट इज नथिंग बट 1/j ωc। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो j ωcr डिवाइडेड 1+j ωcr, दैट इज अगर इसका फेज निकालें तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और नीचे अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए ये हमारा वाई वैल्यू है, 1+j ωcr में देखिए 1 हमारी क्या है, वाई है, और ये एक्स एक्सिस का है, ये हमारा ωcr वाई एक्सिस का है। तो अगर हम इसको हम रखें यहाँ पे देखिए, तो एक्स एक्सिस पे उन्होंने 1 रख दिया, वाई एक्सिस पे ωcr रख दिया। तो ये हमारे पास अगर इसको मिलाएंगे तो इसके इस हेल्प से हम लोग टेन थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा क्या होगा हमारा, टेन थीटा इज नथिंग बट वाई बाई एक्स। तो वाई वाई हमारा क्या है ωcr और एक्स क्या है हमारा 1 है, तो टेन थीटा इज नथिंग बट ωcr बाई 1। और हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ ωcr, वही उठा के रख दिया है। तो हम लोग ωcr को वैरी करा के रिक्वायर्ड जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, रिक्वायर्ड हमारा फेज शिफ्ट होता है, उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है इस पर्टिकुलर की और मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री हो सकती है। तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारे पास मिनिमम फेज शिफ्ट क्या प्रोवाइड हो सकता है, 0 डिग्री या मैक्सिमम फेज शिफ्ट 90 डिग्री। लेकिन एट द एक्सट्रीम केस हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, तो क्योंकि हम लोग नॉर्मली 90 से थोड़ा सा लेस ही होगा। उसीलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग दो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर भी नहीं यूज कर सकते हैं हम लोग 180 डिग्री को प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली आर्गुमेंट क्या होगा कि अगर हमारे पास ये 90 डिग्री प्रोवाइड कर सकता है, ये भी 90 डिग्री प्रोवाइड कर सकता है, तो हम लोग दो की जगह तीन क्यों यूज कर रहे हैं। बेसिकली एक्सट्रीम केस में क्या होता है, एक्सट्रीम केस हम लोग नहीं लेके चलते हैं क्योंकि हम नॉर्मली नहीं प्रोवाइड कराता है वो हम थियोरी में कह सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली नहीं प्रोवाइड कराता है, इसलिए हम लोग तीन तीन जो आरसी को इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि इसको हम लोग आरसी फेज शिफ्ट कैसे प्रोवाइड कराता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ये फीडबैक नेटवर्क, यहाँ पे देखिए हम लोग निकालते हैं कैसे, जो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन या फिर हमारा जो कंडीशन होता है उन सबको कैसे हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने तीन लूप का यूज किया हुआ, ये लूप 1 है, ये लूप 2 है, ये लूप 3 है। तो अगर हम KVL लगाएं पहले लूप में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से ये वाली करंट I1 आ रही है, तो वी आउटपुट इंटू इसको हम लोग XC मान लिया, माइनस ऑफ XC इंटू I1, और नीचे करंट क्या जाएगी, I1 माइनस I2, तो I1 माइनस I2 इंटू R। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल गई हमको, I1 XC प्लस R माइनस ऑफ I2 R इज इक्वल टू V0। तो हम लोग सिर्फ KVL की हेल्प से तीन इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तीन इक्वेशन आएंगे उसको सॉल्व करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो पहले देखते हैं, पहले इक्वेशन में मिल गई ये वाली, अब हम लोग यहाँ पे लूप लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ड्रॉप हम लोगों को पता था क्या आ रहा था, वो I1 माइनस I2 इंटू R, तो वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, I1 माइनस I2 इंटू R माइनस ऑफ I2 इंटू XC माइनस ऑफ I2 इंटू R I2, ये वाली करंट यहाँ से I2 आ रही थी, ये इस डायरेक्शन में I2 आ रही थी, I3 इधर जा रही थी, तो इसमें कितना फ्लो होगी, I2 माइनस I3 इंटू R। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी, I1 I2 और I3 में एक रिलेशन मिल जाएगा। तीसरी इक्वेशन अगर हम सॉल्व करें यहाँ से देखिए, तो तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है, यहाँ पे करंट क्या आएगी, सेम वही I2 माइनस I3 जैसे हमने निकाला था,
इंटू आर माइनस ऑफ आई थ्री इंटू एक्सी माइनस ऑफ आई थ्री इंटू आर, तो हमारे पास ये हमारा मिल गया। अब हमारा बेसिक काम क्या है कि हम इसको सिंप्लीफाई करें, और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और रिलेशन निकालेंगे। तो बेसिकली हम जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होती है तो हम क्रैमर्स रूल का यूज़ करते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी इसमें हम लोग मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास देखिए डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने ये एक मेथड होता है, हम लोगों ने इसको ऐसे लिख लिया। अब हमारे पास ये इनपुट वेरिएबल है आई वन आई टू आई थ्री, और ये हमारे पास है आउटपुट पे जो आ रहा था। तो पहले में देखिए वी आउटपुट एक हमारा राइट साइड में आ रहा था, और दूसरे में क्या था, सिर्फ आई वन और आई टू और आई थ्री का वेरिएबल उनका ही था, और कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं आ रहा था। तो बाकी दोनों को हम लोगों ने जीरो रख दिया है, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंस निकालेंगे, और हमारे पास डेल्टा निकालेंगे हम लोग। डेल्टा निकालने के बाद डेल्टा नथिंग मत, इसका हम लोग मॉड ले लेंगे। मॉड हमारा वैल्यू क्या आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, आर थ्री का आर क्यूब प्लस फाइव ऑफ आर एक्सी का होल स्क्वायर प्लस सिक्स आर स्क्वायर एक्सी प्लस एक्सी का क्यूब। और उसके बाद हम लोग अगर डेल्टा थ्री की बात करें, डेल्टा थ्री को हम लोग कैसे निकालेंगे, वो आएगा हमारे पास अगर इस पर्टिकुलर जगह पे हम लोग ये उठा के रख देंगे और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसका मॉड लेंगे, तो उसके बाद हमारे पास वैल्यू आएगी वी नॉट इंटू आर का होल स्क्वायर। तो जब भी हम बात करेंगे ये आपको, आप देख लीजिए, आप कहीं बुक में जाके देख लीजिए क्रैमर से इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके हेल्प से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई थ्री क्या होगा हमारे पास, डेल्टा थ्री डिवाइड बाई डेल्टा। अगर हम आई टू की वैल्यू निकालना चाहें तो वो आई डेल्टा टू डिवाइड बाई डेल्टा, डेल्टा टू डिवाइड बाई डेल्टा को रख सकते हैं। उस टाइम पे क्या करेंगे हम लोग, जब हम लोग आई डेल्टा टू डिवाइड बाई डेल्टा निकालेंगे तो हम लोग इस जगह पे हम लोग ये वाला पर्टिकुलर टर्म रिप्लेस करके उसका मॉड वैल्यू ले लेंगे, तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी निकाल लिया डेल्टा डेल्टा डिवाइड डेल्टा थ्री। अब इसको देखिए डेल्टा डिवाइड बाई डेल्टा थ्री को हम लोगों ने रख दिया, ये आ गया वैल्यू। अगर हमारे पास आई थ्री आ गई तो हम उसमें आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई थ्री आ गया हम लोग आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फीडबैक वोल्टेज वी एफ मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास फीडबैक वोल्टेज वी एफ मिल गया, तो उसकी हेल्प से हम लोग देखिए अब हमारे पास क्या फीडबैक वोल्टेज मिल गया, तो हम लोग वी एफ डिवाइड बाई वी आउटपुट हम लोग बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा फीडबैक फैक्टर मिल जाएगा। अब देखिए आर क्यूब को हम लोग नीचे ले गए हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा वन, और एक्स क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब प्लस फाइव एक्सी स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस सिक्स एक्सी इंटू आर। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब इसमें हम लोग अगर हम लोग एक्सी की जगह वन अपॉन एस सी रख दें, या फिर आप एस को जे ओमेगा से रिप्लेस कर दें, तो कुछ ऐसा टर्म आएगा बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन जे ओमेगा क्यूब सी क्यूब आर क्यूब माइनस फाइव डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ऑफ जे सिक्स ओमेगा सी आर, ठीक है। अब एक और हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं, हम लोगों ने वन अपॉन ओमेगा सी आर को अल्फा रख दिया। अब यहाँ पे अल्फा रखेंगे तो हमारे पास ये वाला टर्म आराम से आ जाएगा। ये टर्म आप लोगों को बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, बुक में डायरेक्टली लिख दिया है। ये जो आपका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है ये मोस्टली बुक्स में नहीं दिया होता कि कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बात की थी कि ए, अगर हम इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ए बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब ए बीटा को हम लोग फेज, अगर हमारा फेज जीरो रखना है तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने इक्वेशन के लिए हम लोग कंडीशन को सॉल्व करके देखेंगे, तो ए बीटा को अगर मैं मॉड ए बीटा को वन रखेंगे, और हमारे पास पहले उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो फेज होगा उसको जीरो रखेंगे। फेज को जीरो रखने के लिए हमारे पास इमेजिनरी पार्ट को क्या करना होगा, जीरो करना होगा। तो उस टाइम पे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे हमारे पास मॉड ऑफ जो हमारा एंगल होगा जीरो या 360 डिग्री होगा, तो हमारे पास इमर्जी पार्ट जीरो होगा। तो अल्फा क्यूब माइनस सिक्स अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे देखिए अल्फा या तो जीरो होगा या अल्फा अंडर रूट ऑफ सिक्स होगा, तो उसके हेल्प से हम लोग निकाल, अल्फा जीरो नहीं होगा जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे वन अपॉन ओमेगा अल्फा की वैल्यू को हम लोगों ने रिप्लेस किया वन अपॉन ओमेगा नॉट आर सी से, जो कि हम लोगों ने यहाँ से फिर से वही चीज रख दी। अब यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, क्योंकि अब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं। तो इसकी हेल्प से अगर हम लोग देखें तो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आ रहा था वन अपॉन टू पाई अंडर रूट ऑफ आर सी इंटू अंडर रूट ऑफ सिक्स, ये हो गया एफ नॉट वन अपॉन टू पाई आर सी अंडर रूट ऑफ सिक्स। नॉर्मली आप देखेंगे कि नॉर्मली यहाँ पे आप जो सिक्स की जगह टू एन लिख सकते हैं, एन की वैल्यू जो है नंबर ऑफ हमारे पास आपके जो नंबर ऑफ आर सी कॉम्बिनेशन, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे तीन यूज किया था तो हम लोग टू एन की जगह हम लोग एन की जगह थ्री रखेंगे तो अंडर रूट सिक्स आ जाएगा। अगर हम चार आर सी नेटवर्क को यूज करें तो वहाँ पे हमारे पास फोर इंटू एन तो टू पाई अंडर रूट ऑफ एट आ जाएगा। वो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिपेंड करता है हम लोग कितने आर सी नेटवर्क यूज कर सकते हैं, तो ज्यादा तो कर सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब मॉड ऑफ ए बीटा शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट। उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ओमेगा नॉट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे ये तो ऑलरेडी जीरो हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये वाला पार्ट कितना आ रहा है, हम लोगों ने अल्फा अल्फा स्क्वायर की जगह हम लोगों ने छह रख दिया, जो कि हमें पता था अल्फा स्क्वायर की जगह हम लोगों ने छह रख दिया, तो हमारे पास क्या आ गया ए बीटा इज इक्वल टू वन माइनस ऑफ ए डिवाइड बाई 29। तो हमारे पास मॉड ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन 29 इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हुए आ गया।
तो अब हम लोग देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन तो मिल रही है, लेकिन गेन की भी कंडीशन आ रही है। गेन क्यों इतना होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग देखते हैं तो गेन भी जो हमारे पास आउटपुट दिया हम लोगों ने, सपोज आउटपुट वोल्टेज है, वो हम फीडबैक तो आते आते रिड्यूस हो जाता है। सपोज ये हमारा वोल्टेज डिवाइडेड नेटवर्क है, ठीक है, ये आरसी नेटवर्क को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया है, सेम आरसी नेटवर्क है, इसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे या फिर इसको ऊपर ले लेंगे तो वही वही वाला आरसी नेटवर्क जो हमने यूज किया वही आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे बात करें इसकी, तो ये फीडबैक नेटवर्क आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे फीडबैक नेटवर्क, ये डिवाइडर आ रहा है, डिवाइडर नेटवर्क आ रहा है, तो यहाँ से कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, कुछ फैक्टर, यहाँ वी वन इज सम फैक्टर ऑफ वी नॉट, जो कि मैंने लिखा है वी वन इज सम फैक्टर ऑफ वी नॉट। फर्दर हम लोग वी वन को देखेंगे, वी टू इज सम फैक्टर ऑफ वी वन, और उसके बाद देखेंगे वी थ्री, वी थ्री इज सम फैक्टर ऑफ वी टू, सम फैक्टर ऑफ वी टू। तो उस सेल्फ से अगर देखें तो वी थ्री इज फैक्टर ऑफ, तीन फैक्टर आ जाएंगे और वो हमेशा फैक्टर लेस देन वन होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो फिर से फीडबैक पे वोल्टेज इनपुट पे जाता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो उसको हम लोग एम्पलीफाई करने के लिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, और जो हम एम्पलीफायर का यूज करते हैं, तो ये हमारा काम होता है एम्पलीफाई का, एम्पलीफायर का। तो ये चीज़ हमने देख ली, ये हम लोग आरसी फेज शिफ्ट का यूज करके भी हम लोग सेम चीज़ यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा आरसी हो गया, सेम नेटवर्क, हम लोगों ने फीडबैक दिया यहाँ पे, फिर से वापस इनपुट पे दे दिया फीडबैक। तो ये हमारा नॉर्मली सेम चीज़ है, फेज आरसी फेज शिफ्ट का यूज हम लोगों ने विद हेल्प ऑफ बीजेटी ऑसिलेटर यूज किया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन का कंडीशन थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे एफ नॉट इज नथिंग बट 1/2 पाई आरसी अंडर रूट ऑफ 6, यहाँ पे प्लस 4 के एक्सटर्नल आ जाता है। अब ये के क्या होता है, आरसी डिवाइड बाई आर, आरसी क्या होता है, ये वाला रेजिस्टर्स, और आर यह होता है ये वाला रेजिस्टर्स। ये इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ, सिंपली मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, के इज इक्वल टू आरसी डिवाइड बाई आर। अब यहाँ पे देखिए गेन की कंडीशन भी चेंज हो जाती है, एच एफ ई जो हमारा गेन होता है शुड बी ग्रेटर देन 23 + 29 डिवाइड बाई के प्लस 4 के, ठीक है। तो ये हमारी गेन गेन की कंडीशन होती है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। समटाइम्स क्या होता है कि हमें बीजेटी ऑसिलेटर को डिजाइन करने के लिए दे दिया जाता है, तो हम ये इक्वेशन काम में आ गई, तो आप इसको याद रखिएगा। अगर हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ एच एफ ई की बात करें, कितना मिनिमम वैल्यू ऑफ एच एफ ई हो सकती है, तो हम लोग उसको डेल ऑफ एच एफ ई डिवाइड बाई डेल के को 0 रख के निकाल सकते हैं। तो के की एक वैल्यू आएगी जिसपे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, दैट इज इक्वल टू, जैसा कि आप मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं सेम उसी तरह निकालना है। तो के की वैल्यू अंडर ऑफ 29 / 4 जो कि 2.69 आ रही है, उसको हम लोग फिर से यहाँ पर उठा के रख देंगे, तो हमारे पास एच एफ ई की मिनिमम वैल्यू, एच एफ ई की मिनिमम 44.45 आ जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू एच एफ ई की 44.5 होनी चाहिए। अब देखिए क्या होता है कि एम्पलीट्यूड स्टेबलाइजेशन की बात करेंगे हम लोग। नॉर्मली क्या होता है कि एम्पलीट्यूड हमारा ऐसा नहीं होता है कि बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, एक पर्टिकुलर टाइम पे उसे फिक्स करना होता है। तो अगर हम बात करें ये फीडबैक वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, और ये फीडबैक वोल्टेज क्या होगा, अगर ये फीडबैक वोल्टेज यहाँ पे देखिए नॉर्मली क्या है, ये नॉर्मल गेन है आर एफ डिवाइड बाई आर वन, ठीक है। अगर ये पर्टिकुलर वोल्टेज बढ़ता जा रहा है तो क्या होगा, आउटपुट जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन उस ज़्यादा जरूरत नहीं होती है हमें आउटपुट की, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट को एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर लिमिट करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि एक हम लोग दो जेनर डायोड का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये फीडबैक वोल्टेज इस पर्टिकुलर जेनर डायोड के हमारा जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है उससे ज़्यादा होता है, तो ये ऑन हो जाता है, उस टाइम पे ये वाला फीडबैक नेटवर्क काम करने लगता है। तो यहाँ पे देखिए अब ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो इफेक्टिव इफेक्टिव जो हमारा गेन हो ये हम इफेक्टिव जो हमारा रेजिस्टेंस हुआ कम हो जाएगा, तो उस टाइम पे फिर से हम देखिए गेन कम हो जाएगा। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड स्टेबलाइजेशन का टेक्निक है जिसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू जेनर डायोड, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे दोस्तों। एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे आप बात करते हैं तीन हम लोग आरसी नेटवर्क की बात करते हैं यहाँ पे, तो आप इस बात को मत मानिएगा कि हमारा तीनों अलग अलग एग्जैक्टली 60 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं होता है। थ्योरी में आप बोल सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इसके भी जब यहाँ पे ले रहे हैं तो हम लोग नॉर्मली इस पर्टिकुलर सर्किट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये सर्किट है। जब भी हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फेस शिफ्ट की, तो उस टाइम पे कैलकुलेशन के टाइम ये भी एग्जिस्ट करता है, और उसके इफेक्ट से यहाँ पे जो ओवरऑल जो फेज आता है वो 60 डिग्री नहीं आता है। तो नॉर्मली हम ऐसे नहीं ब्लाइंडली बोल सकते हैं, थियरी में तो एकदम बोल सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता है। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। इस लेक्चर को आप अगर आपको पसंद आया तो आप इसको रेट करिए प्लीज, रिव्यू भी करिए, रिकमेंड भी करिए, और कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक में आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इसको सुनने के लिए।